हेलो एवरीवन, दिस इज डी कुमार सा, इंग्लिश चैनल मोटिवेटर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जिंदगी के 7 नियम लेके आया हूँ। हमारे जिंदगी के 7 नियम, इन नियमों को आप देखें और अपनी जिंदगी को सिंपल बनाएं। दी सेवन रूल्स ऑफ लाइफ। पहला रूल्स आप लोग देखिए, पहला रूल्स है मेक पीस विद योर पास्ट। आपकी पिछली जिंदगी, भूतकाल आपका कैसा रहा, भूतकाल में आपने क्या किया, उसके साथ आप शांत हो जाए, कूल हो जाए। ज्यादा मत सोचे भूतकाल के बारे में कि भूतकाल में हमने ऐसा किया वैसा किया, ये आपके वर्तमान को डैमेज कर दे। इसीलिए जिंदगी का सबसे पहला नियम है मेक पीस विद योर पास्ट। दूसरा रूल्स है ट्राइंग हील्स एवरीथिंग। समय ना हर एक चीज को चेंज कर देता है। ट्राइंग हील्स एवरीथिंग क्या है, समय में इतनी ताकत है कि हर एक चीज को परिवर्तन कर देता है। आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई और होगा। यानी कि समय चेंजेबल है, परिवर्तन योग्य है, समय पे हर एक चीज बदल जाता है। इसीलिए आप चिंता ना करें कि आज आपका समय कैसा चल रहा है, यह समय बदलने योग्य है, बदल जाएगा। इसीलिए टाइम हील्स एवरीथिंग दूसरा रूल याद रखें। तीसरा रूल है व्हाट अदर थिंक ऑफ यू, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। अगर ये खुद आप सोच रहे हैं तो दूसरा क्या सोचेगा। आप ये ना सोचे कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप ये सोच सोच के अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो सोचिए कि समाज क्या सोचेगा। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरा क्या सोच रहा है। राइट, तो हमेशा ध्यान रखे दूसरा क्या सोचता है उसके बारे में हमें नहीं सोचना। चौथा रूल है डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर, अपनी जिंदगी का तुलना किसी दूसरे के साथ ना करें। एप्पल, सेब और संतरा, सेब का भी अलग गुण है और संतरा का भी अलग गुण है। क्या दोनों का कंपेयर किया जा सकता है? सेब संतरा का कंपेयर आप नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं और दोनों का गुण अलग अलग है। इसीलिए आप भी सही है, कोई और सही है, दूसरा भी सही है, आप किसी के साथ तुलना ना करें। तुलना करने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशानी होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। यू आर वन ऑफ द पीस ऑन द अर्थ। पांचवा है स्टॉप थिंकिंग सो मच, ज्यादा ना सोचें। अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। सोचने से क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। एक्शन करें, पूरा क्विक एक्शन ले, सही एक्शन ले। और ज्यादा सोचने से आपका टाइम बर्बाद होगा, ज्यादा आप सोच नहीं पाएंगे, इससे आपको परेशानी होगी। इसीलिए ज्यादा ना सोच। छठा रूल है नो अदर इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू, आपके अलावा आपके प्रसन्नता के बारे में और कोई नहीं सोचता। आप ये, आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रसन्नता के बारे में कोई और सोचे या कोई सोच रहा है, कोई क्यों नहीं सोच रहा है, ये ऐसा नहीं है। किसी को किसी के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपको प्रसन्नता कैसे मिले आपकी जिंदगी में। इसीलिए हमेशा इन बातों का ख्याल रखें कि आप प्रसन्नता आपको कैसे आए जिंदगी में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप प्रसन्नता लाने की कोशिश करें कि कौन कर्म करने से, कौन सा काम करने से आपको प्रसन्नता आएगी। दूसरा कोई प्रसन्नता ला के आपको नहीं दे सकता। प्रसन्नता एक मेंटल एक्टिविटी है, ये मेंटल एक्टिविटी पे निर्भर करती है। और सातवां जो रूल है वो है स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से आप हेल्दी रहेंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे, शरीर में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। और मुस्कुराने से आप एकदम खिलखिलाते रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो जिंदगी के इन 7 रूल्स को आप देख लें। मेक पीस विद योर पास्ट फर्स्ट रूल, सेकेंड है ट्राई एंड हील्स एवरीथिंग, थर्ड है व्हाट अदर थिंक ऑफ यू, फोर्थ है डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर, फिफ्थ है स्टॉप थिंकिंग सो मच, सिक्स्थ है नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू, सेवेंथ है स्माइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।